देखते हुए, मेड इन पाकिस्तान विजन देखते हुए, जब जून 2020 में गवर्नमेंट ने ये विजन दिया और इसकी पॉलिसी फाइनल बनाई, तो हमने उसके बाद से इस पर काम शुरू कर दिया। और इस वक्त एयरलिंक 4 मोबाइल कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है, जिसमें ट्रांशन ग्रुप का टेक्नो और आईटेल है, और TCL एंड अल्काटेल, ये 4 ब्रांड इस वक्त हम बना रहे हैं। इस वक्त हम सालाना 6 मिलियन फ़ोन बना रहे हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त क्योंकि 4G से 5G और ये सारा IT का एरा चल रहा है, तो इस वक्त वो पाकिस्तान की लोकल डिमांड भी काफ़ी है। पाकिस्तान में कोरोना की वजह से मोबाइल की मांग में बहुत इजाफा हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह कि लोगों को ऑनलाइन स्कूलिंग शुरू हुई, लोगों को ऑनलाइन ऑफिस शुरू हुए, इसी तरह स्कूल की आप देखते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है। बहुत छोटे छोटे शहरों में ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, और वो स्मार्टफोन के अलावा मुमकिन नहीं है। हुकूमत की तरफ से विदहोल्डिंग टैक्स और बाकी टैक्सेशन ऑलमोस्ट जीरो करने की वजह से तमाम कंपनियों का रुझान पाकिस्तान में हो गया। सैमसंग और एप्पल भारत में बिल्कुल अपनी इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन सैमसंग पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है, एंड सैमसंग इज़ वेरी सीरियस टू कम टू पाकिस्तान। हम समझते हैं कि अगर सैमसंग आ जाएगा तो उसको फॉलो करते करते आईफोन भी पीछे पीछे आएगा, बट इट विल टेक टाइम।